हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ओके, जो ये चैप्टर आपका चल रहा है उसमें हम 8.2 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, इस एक्सरसाइज में हम करेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स। ओके, कंपेयरिंग डेसिमल्स, आपको डेसिमल नंबर को कंपेयर करना है। ओके, जैसे मेरे पास दो नंबर है, हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है 0.07 और दूसरा है मेरे पास 0.1। ठीक है, दोनों डेसिमल नंबर है, 0.07 और 0.1। तो आपको कंपेयर करके मुझे बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, इज दिस नंबर ग्रेटर और दिस। तो कैसे चेक करेंगे हम कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो इसका चेक करने का बहुत ही ईजी सा एक मेथड है, वो देखिए आप अच्छे से। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि डेसिमल से पहले, ओके, विदाउट डेसिमल जो नंबर है हमारे पास वो नंबर क्या है। ओके, जैसे सपोज करिए इसमें डेसिमल से पहले क्या है, जीरो, और इसमें भी डेसिमल से पहले क्या है, जीरो। यानी कि विदाउट डेसिमल जो नंबर है, जो होल नंबर है हमारा, होल पार्ट, वो कैसा है, जीरो है दोनों में, तो सेम हुए दोनों अभी तक तो। ठीक है, अब चलते हम जीरो डेसिमल के राइट साइड में। तो देखिए, जीरो के डेसिमल के राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या है, जीरो। यानी कि जो फर्स्ट नंबर होता है डेसिमल के बाद उसे क्या बोलते हैं, टेंथ प्लेस। कौन सा प्लेस, टेंथ प्लेस, है ना। तो टेंथ प्लेस पे कौन है, जीरो, और इसके टेंथ प्लेस पे कौन है, वन। तो अब देखिए, दोनों के टेंथ प्लेस की अगर हम कंपेरिजन करें तो इस पे जीरो और इस पे वन। तो आप बताइए, जीरो बड़ा होता है या वन, वन ग्रेटर होता है ना। तो इसका टेंथ प्लेस इसके टेंथ प्लेस से ग्रेटर है। ओके, तो जो प्लेस ग्रेटर हो जाए वहीं पे ही हम स्टॉप हो जाएंगे और हमें हम बोलेंगे कि 0.1 ग्रेटर है किससे, इससे। क्यों, क्योंकि इसका जो टेंथ प्लेस है वो 0.07 के टेंथ प्लेस से ग्रेटर है। सो 0.1 इज ग्रेटर देन 0.07। ओके, तो इस टाइप से आपने नंबर का कंपेरिजन करना है। तो देखिए, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्लियर करते हैं। देखिए, फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट आपको दिया हुआ है 0.3 और 0.4, है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने सिंपल चेक करना है जो अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल से पहले चेक करिए। पहले तो हम किसको चेक करेंगे, डेसिमल से पहले। ओके, तो डेसिमल से पहले इसमें क्या है, जीरो, और इसमें भी क्या है, जीरो। तो दोनों सेम है, अभी तो इक्वल है। ठीक है, अब डेसिमल के राइट साइड में चलते हैं। आफ्टर डेसिमल इसमें क्या है, फर्स्ट प्लेस जो है टेंथ प्लेस पे थ्री और इसके टेंथ प्लेस पे फोर। तो जो फर्स्ट स्टेप को ही हमने कंपेयर किया उसी में ही हमें पता लग गया कि किसका टेंथ प्लेस ग्रेटर है, 0.4 का। सो हम लिखेंगे 0.4 ग्रेटर देन 0.3। तो ये किससे कौन ग्रेटर है, 0.4, और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज कौन सा प्लेस, टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस है ना फोर, तो टेंथ प्लेस ऑफ 0.4 इज ग्रेटर देन टेंथ प्लेस ऑफ 0.3। ओके, हमने किसको ग्रेटर बताया है, 0.4 को। तो आप ऐसे ही लिखोगे 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3, और नीचे इसका रीजन लिखना है आपने, फिर नोटबुक में ऐसे ही करना है सभी ने। तो क्यों है ग्रेटर, क्योंकि इसका टेंथ प्लेस 0.4 का टेंथ प्लेस 0.3 के टेंथ प्लेस से ग्रेटर है। ओके, तो अब वही हमने लिखा है, बिकॉज टेंथ प्लेस ऑफ 0.4 इज ग्रेटर देन टेंथ प्लेस ऑफ 0.3। क्लियर, यानी कि 0.4 का जो टेंथ प्लेस है वो 0.3 के टेंथ प्लेस से ग्रेटर है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे इसका सी पार्ट देखिए, 3 और 0.8। अब आपको दो नंबर है, एक तो 3 है और दूसरा क्या है, 0.8। अब हमें कंपैरिजन करना है और बताना है कंपेयर करके कि विच वन इज ग्रेटर। तो देखिए, सबसे पहले 3 इसको कंपेयर करते हैं। मैंने बताया था आपको सबसे पहले विदाउट डेसिमल वाले, यानी कि डेसिमल से पहले, विदाउट डेसिमल, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो इसमें विदाउट डेसिमल कितना है, 3, और इसके डेसिमल से पहले कितना है, 0। तो कौन बड़ा, 3 या 0, 3 ग्रेटर है। सो हम लिखेंगे 3 इज ग्रेटर देन 0.8, क्योंकि ये नंबर इससे ग्रेटर है। रीजन क्या होगा, बिकॉज कौन सा प्लेस है, ये वंस प्लेस ही है, इसमें तो पॉइंट आई नहीं, ओनली वंस प्लेस है, वंस प्लेस
ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन वंस प्लेस ऑफ 0.8। तो वहीं पे स्टॉप हो जाना है आपने जहां पे ग्रेटर आ जाए। सबसे पहले हम इसके डेसिमल से पहले वाले जो प्लेस होते हैं वंस टेंस हंड्रेड उसको कंपेयर करेंगे, ओके। वो अगर सेम हो जाते हैं तब हम चलेंगे डेसिमल के बाद, लेकिन इसमें तो वंस प्लेस पे थ्री है और इसके वंस प्लेस पे कितना है जीरो, तो ये ग्रेटर है, ओके। तो आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है चेक करने की, तो हम लिख देंगे थ्री ग्रेटर देन है 0.8 से, और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज वंस प्लेस ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन वंस प्लेस ऑफ 0.8, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जैसे इसका जे पार्ट है 5.64 और 5.603, तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए इसके वंस प्लेस पे कौन है, पॉइंट से पहले वंस प्लेस है, कौन है फाइव, इसमें भी कौन है फाइव, इक्वल है, चलिए। और टेंथ प्लेस पे कुछ भी नहीं है, इस पे भी कुछ भी नहीं है, तो अब चलते हैं हम डेसिमल के राइट साइड में। टेंथ प्लेस सबसे पहला कौन सा प्लेस है, टेंथ, इसके टेंथ प्लेस पे कौन है सिक्स, इसके टेंथ प्लेस पे सिक्स, अब भी इक्वल है, चलिए। इसके हंड्रेड प्लेस पे चलते हैं, इसके हंड्रेड प्लेस पे कौन है फोर, और इसके हंड्रेड प्लेस पे कौन है जीरो, तो अब कौन ग्रेटर हुआ, फोर ग्रेटर हुआ, क्योंकि इसका हंड्रेड प्लेस इसके हंड्रेड प्लेस से ग्रेटर है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया, ये वाला नंबर, तो हम लिखेंगे 5.64 ग्रेटर देन 5.603, और रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज कौन सा पार्ट था ये, हंड्रेड पार्ट, तो हम लिख देंगे हंड्रेड पार्ट ऑफ 5.64 इज ग्रेटर, किससे ग्रेटर है ये भाई, ग्रेटर देन हंड्रेड पार्ट ऑफ 5.603, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो हंड्रेड पार्ट है यानी कि फोर, और इसमें जो हंड्रेड पार्ट है यानी कि जीरो, इससे ग्रेटर है, सो ये नंबर इससे ग्रेटर है, ओके। तो ऐसे ही आपने कंपेयर करने हैं सारे नंबर, और आपने रीजन भी लिखना है सभी नंबर के नीचे, जैसे मैंने आपको रीजन लिख के दिखाया है कि क्यों बड़ा है, वो आपने रीजन में बताना है कि कौन से प्लेस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है इसलिए वो बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है खुद से, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के साथ, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।